चेक करेंगे, पाँच क्लियर है। और यहाँ ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेज ये भी आ रही है, फिर भी कोई हरकत नहीं है, नहीं बजर है ना कुछ है। सप्लाई वाली और क्रिस्टल वाली शॉर्ट हो गई है दोनों आपस में। क्या हो गया? अब वीडियो देखते होगे तो ध्यान देते होगे कि काम का तरीका यह है, यहाँ बैठ के इन्हें तमाशा नहीं देखना है, यहाँ इन्हें करना है। आप भी अगर कोई सीखना चाहते हैं तो आइए। आज हमारे पास आया एक वोल्टास का पीसीबी, नॉन इन्वर्टर है। और दिक्कत क्या है, पावर दे रखी है, डिस्प्ले नहीं आ रही है, ना ही बीप साउंड आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, सीधा अपनी 12 वोल्ट चेक करनी है जहाँ बनती है फिल्टर पे। ऑन नहीं करा, ऑन करो। तो ये लगा दिया है पावर, कोई भी हरकत नहीं है बोर्ड में। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसकी सप्लाई, क्लियर है। इसके बाद रेगुलेटर की आउटपुट चेक करेंगे, पाँच क्लियर है। और यहाँ ऑन ऑफ स्विच की वोल्टेज ये भी आ रही है, फिर भी कोई हरकत नहीं है, नहीं बजर है ना कुछ है। तो अब हम इसमें कर सकते हैं क्रिस्टल पे आने वाली वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक तरफ 5 आ रही है, बहुत हाई आ रही है, इतनी बढ़ जाएगी। एक तरफ 0 है, एक तरफ 5 है, थोड़ा सा गड़बड़ है क्रिस्टल की वोल्टेज में। बंद करो, हाँ 1.5 के आसपास आएगी, वो भी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी रहेगी दोनों पिन पे। यहाँ पे एक ही पे आ रही है, वो भी हाई है, पूरी 5 आ रही है। इसको बाहर निकाल देते हैं। एक बार और लगाओ। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो क्रिस्टल की वोल्टेज 5 ही आ रही है यार, बहुत आ रही है। बंद करो इसे, कंडीशन देखें इसकी क्या है। क्रिस्टल बदल के देखें, क्रिस्टल हमेशा हट देख के लगाना, ठीक है ना, ये नहीं कोई भी लगा दो। कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, नॉन पोल होता है। हाँ 1.5 के आसपास होना चाहिए। बोर्ड है ना पाया ऐसा, मेन का डाउट लगा क्या हो रहा। बोर्ड ना हो कोई बात नहीं, आईसी देखते हैं। लग मेरा क्रिस्टल का मामला है, पाँच ही दे रहा है, मेन खराब है क्या है। बंद करना, सप्लाई वाली और क्रिस्टल वाली शॉर्ट हो गई दोनों आपस में। क्या हो गया? एक सेकंड आईसी डॉट सा दिख रहा है, ठीक लगाना, ये ऑन हो गया। शॉर्ट थी, पहले बताता हूँ क्या होने वाला है। पहले क्या कहा था मैंने, क्रिस्टल बदलने से नहीं होगा ये। मेन के बारे में सोचने लगा था मैं।
मैंने देखा ग्राउंड से शॉट नहीं है, तो बात क्या हो रही थी, पता क्या हो रहा था, पकड़ा कैसे मैंने, आंखों से नहीं दिख रहा था वो जो शॉटिंग थी, ये जो ये रेगुलेटर की वोल्टेज है ना, ये यहाँ आ रही है, किस पिन पे, इस पिन पे आ रही है, और यही वोल्टेज इस पिन पे भी आ रही है, और फिर मैंने क्या देखा, इसी 5 वोल्ट के साथ वाली पिन जो है वो है क्रिस्टल की, आउट समझो या जो भी है, इन है जो भी है, वो इसी 5-11 दिखा रही है, और इस पे भी 5-11 दिखा रही थी, अब नहीं दिखा रही है ना, तो दोनों में सेम आ रही थी, तो थोड़ा सा डाउट लगा, तो ध्यान से देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तभी एक स्क्रैच भी मारा, शोल्डर भी मारा, तुमने रिसोल्ड मारी थी, ऐसे किसने मारी, मुझको पता है ना, ज़्यादातर 90% जो तुम मेरे पास केस लाते हो ना, उसमें तुम्हारा खुद का अपना बनाया हुआ फॉल्ट होता है, और मेरा काम होता है सिर्फ नज़र से उसको रिपेयर करते हैं, क्या नज़र देना, ये तो अपनी नज़र भी ऐसी बनाओ दोस्तों। दरअसल ऐसा होता है कि यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ये लोग पीसीबी कोई भी कस्टमर का हो, किसी का भी हो, पहले ये लोग रिपेयर करते हैं, इनसे नहीं हो पाता है तब मैं करता हूँ उसे, तो ज़्यादातर केसों में क्या होता है, ये जो फॉल्ट है उसको ठीक करने से पहले एक नया बना लेते हैं, और ये जो पीसीबी मेरे पास अभी आया था, तो इन्होंने कहा कि कंप्रेसर नहीं चल रहा इसमें, और मैंने जब ऑन करा तो ये डेडी है, ऐसी है ना, तो इसमें कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा वो भी देख लेते हैं, तो फिलहाल तो फॉल्ट कंप्रेसर के लिए लाए थे मेरे पास, और रिपेयरिंग करने के चक्कर में इन्होंने रिसोल्ड मारी होगी, कमांड नहीं आ रही थी कंप्रेसर की, उनका बताना है, तो उन्होंने आईसी को रिसोल्ड कराया, मैंने ही बोला था, तो रिसोल्ड सफाई से नहीं कर पाया, क्या हुआ दोबारा ना हुआ, आईसी सोल्ड करो ना, तो पिनों के बीच में ना कट मार दिया करो, क्या हो, ताकि कोई ऐसी लेयर या ऐसा कोई बाल बराबर सोल्डिंग हो जो हमें दिख नहीं सकती, तो वो ऐसे कट मारने से बीच में वो हट जाएगी, तरीका भी है, निकालो सर, जब भी आईसी रिसोल्ड मारो या दूसरी लगाओ तो इसके बीच में ये ऐसे करते हुए चलो, ठीक है, ये तरीका है मेन आईसी लगाने के बाद, और फिर उसको थिनर से क्लीन करो ताकि आपको शॉर्टिंग दिख सके, और आपने मैग्नीफाइंग का इस्तेमाल नहीं करा लगाने के बाद, हाँ तो गलती है ना, आपने गलतियाँ बहुत करी है ना, पहले अपनी गलतियाँ सीखो कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, पहली गलती क्या है, साफ सफाई की दिख रही है मुझे, काम को एकदम प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तभी कहा भी सफाई की आदत डालो, वैसे काफ़ी सुधार है, आपने बहुत काम किया है इसमें, देख के लग नहीं रहा इतना कि तो है, लेकिन अभी भी है कमी, 1% कमी नहीं होनी चाहिए, वो 1% ही फॉल्ट बनाएगा, निकाल दिया, ये क्या लगा के लाया बल्ब में, हंस भी रहा हूँ मगर, पटिया डालना था क्या, लगाया हाँ इधर ये रखा था बल्ब, ये बल्ब में शोल्डिंग मार रहे थे या पटिया डाल रहे थे बल्ब में, ये होल्डर वाली चाहिए सर, ये नहीं चले, होल्डर वाला रखा हुआ तुमने कहा, ऐसे करो ही मत, ये शोल्डिंग मार लपड़ा, बल्ब किसका है, मेरे ही लग रहा है, तीन शूट का ही है, तो मेरा ले लो, अबू बकर के यहाँ जाते हो वहाँ तो चलता है, हमें तो पकड़ दो, अच्छा हुआ तुम्हारा मोबाइल गायब नहीं हुआ, कौन सा फैन है, एसी लगा है ना, चलो तो कंप्रेसर तो चल जाना चाहिए है ना, जाओ पहले हमारा एसी बंद कर, दूसरी कमी ये भी है, ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ये तार ऐसे जॉइंट बंद मारो, ठीक है ना, इससे चलेगा या नहीं चलेगा ये भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, मैं नियम के हिसाब से काम करता हूँ, और नियम कहता है तार डायरेक्ट यहाँ छोड़ मारो या कनेक्टर पे ही लगाओ, ऐसे हवा में मत उड़ाओ उसे, ठीक है ना, अरे नंगे मत छोड़ो, लगाई थी रजिस्टर यहाँ पे, जब भी बात नहीं बनी, सेंसर सही है इसका, चलो देखते हैं अब क्या है, रिले सही है, बहुतों की जी निकली, मतलब कईयों ने चेक करा, सही है ट्रिगर भी, सही है ट्रिगर भी, कंडीशन भी कमांड की नॉर्मल थी, सर चेक कुछ क्या इंपीडेंस नहीं आ रही थी मीटर पे, डायोड रीडिंग आ रही थी, हाँ तो आ तो रही है, सही तो है, तो दोस्तों आप वीडियो देखते होगे तो ध्यान देते होगे कि
काम का तरीका ये है, यहाँ बैठ के इन्हें तमाशा नहीं देखना है, यहाँ इन्हें करना है। आप भी अगर कोई सीखना चाहते हैं तो आइए, आप भी यहाँ सिर्फ देखेंगे नहीं, आप खुद करेंगे। फैन ग्रिल चेंज हो रही है, किसी ने टाइम देखा था? नहीं। कहाँ लगा दिया? एसी को लगा दिया। एसी चेक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। स्पिन जा रही है तमाम, एसी जा रही है। सेंसर कहाँ लगे हुए हैं? ये है, शोल्डिंग नहीं अच्छी है इन पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रूम वाला किस तरफ है याद है? इस तरफ है उधर? ब्लैक वायर रूम है ना, ब्लैक वायर। दो यहाँ रखो, पकड़ना होगा वहाँ, डाउन करो जरा उसे। रिमोट है? रिमोट नहीं होगा, ले आए और बेटा रिमोट। मास्टर जब आएगा ठीक है, काम कर रहा है सही से, है ना? ये सेंसर 5 का है जी। हाँ, मीटर चेक करने में कितना दिखा रहा? 4.2 दिखा रहा है। मीटर चेक करने में 3.2 दिखा रहा था। 3.2 दिखा रहा है ना, 4.23 4.3 कम दिखाना चाहिए, यहाँ भी तो 4.3 दिखा रहा है, तो टेम्परेचर पे तो चेंज होना चाहिए ना इसे। दूसरी सेंसर लगा रहा है ये है ना रूम। बंद करना, सही दिखा रहा है सेंसर। बोल सेंसर की तो 4.3 है ना, 4.3
सीजर बदली थी क्या आपने? बदली थी। इसकी वैल्यू अलग आ रही है और जम्पर लगा हुआ है। करने वाले काम आपने भी नहीं करे अभी। ये इसका प्लस सेंसर जी जो साथ में है जी। जैक को छील के लगा दे।
ठीक है चलो टाइम देख लूँगा। टाइम देख लिया तीन मिनट हो जाएंगे बता कैसे बंद करो बंद रहती पंखा तुमने चला ध्यान दिया तुमने चला कितना हो गया देखा जादू क्या जादू कर रही है आप कहाँ था सूर आई मतलब इसकी ये क्या खाना इससे नहीं हुआ बेटा वो तो हम पहले भी कर रहे एमसीयू में कार्बन ट्रिगर पे कार्बन इप्रोम पे कार्बन मैंने क्या किया जो मेरे रिपेयरिंग के नियम है मैंने वो फॉलो किया आपने और मुझे में सिर्फ आज के डेट में इतने फर्क है जो नियम है वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे मैं अपनी ईमानदारी से फॉलो बताया ना क्लीन वॉश रिशोल्डिंग कार्बन हटाना ठीक है और थिनर से साफ करना बढ़िया से तो वो पूरे नहीं फॉलो कर पा रहे और खासकर बोर्ड में सफाई बहुत रहनी चाहिए नहीं है तो आप करोगे और जब आप काम कर रहे हो तो उसमें होनी चाहिए ठीक है ना बंद करो उसे तुम पहले ये वाली आईसी मैंने साफ नहीं करी मैंने वजह ये थी क्योंकि ये फैन के इसके लिए थी ठीक है ना पर मैंने इसे करा इसमें उसमें फर्क नहीं दिख रहा फर्क दिख रहा है इसकी पिनों में उसकी पिनों में आपने चमक रहा है सर अभी तो चमकाया है किसने आपने चमकाया सर देखा बोर्ड गंदा हो तो कंप्रेसर भी कहता नहीं चलूंगा साफ सफाई सबको अच्छी लगती है वो लाइट आ रही है सर चमक नहीं रहा है मैं भी कंफ्यूज हुआ कहाँ लाइट आ गई नहीं चमक रहा है ठीक है ये हिल रहा था पाँच आपको इस पर ध्यान देना चाहिए था इसका पक्का इलाज करना चाहिए था ठीक है और बात साफ सफाई की आएगी तो ये मत देखा करो कि उसका उससे मतलब है या नहीं है जो दिख रहा है वो करो मान लो उस समय पार्ट खराब होता है या टूटा होता है अब मैं कहूँ यार इसका क्या मतलब है तो स्विंग से जुड़ा है तो ऐसा नहीं है जो दिख रहा है वो करो भले उसका मतलब हो या ना हो ठीक है
तो ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल, यहाँ पर एकदम ओरिजिनल जेन्युइन सबके सामने जो फॉल्ट आता है आप ही के सामने हो रहा है ये। आप भी आएंगे, सीखना चाहते हैं बढ़िया, यहाँ आइए, पहले सीखिए और फिर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे फॉल्ट में।